जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जयकारा। जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, और हर हर महादेव की गूंज। नवग्रह पूजा, हवन, मंत्रोच्चार, पुजारी और लोगों की भारी भीड़। ये तस्वीरें बागपत के बदरखा गांव की हैं। पूरे विधि विधान से मुस्लिम समाज के 13 लोग धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन रहे हैं, ये उसी का विधि विधान है। पूरे गांव की मौजूदगी में हवन के साथ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम पूरा हुआ। इनसे मिलिए, ये हैं अख्तर अली, जो धर्म परिवर्तन के बाद धर्म सिंह बन गए। नाम अख्तर अली था, अब मैं धर्म सिंह हो गया। धर्म सिंह, क्या वजह रही? वजह ये जी, हमारी कोई थाने में, तहसील में कोई कहीं सुनाई नहीं हुई। हम थाने में जा, ISP के पास जावे कि थाने में जाओ, थाने में जावे कि तुमने गाली गलौज दे के बोलते थे कि तुमने पुलिस चौकी नहीं देखी। दरअसल अख्तर अली ने पुलिस की प्रताड़ना और अपने समाज की उपेक्षा से तंग आकर धर्म परिवर्तन का फैसला किया। जुलाई में अख्तर अली के बेटे का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इनका आरोप है कि इनके बेटे की हत्या कर दी गई। अख्तर को न पुलिस से इंसाफ मिला न अपने समाज से। ऐसे में अख्तर ने हिंदू समाज में शामिल होने का फैसला किया। अख्तर समेत 13 लोग धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गए। जब इन लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने किसी प्रकार की मदद ही नहीं करी, हम यहाँ रोते हैं, परेशान हैं, हर तरह की मुसीबत झेल रहे हैं, और जो है हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमें इंसाफ तो हमें योगी जी जरूर दिलाएंगे, ऐसी बात नहीं। अखबार में भी लिखवाई थी कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इन लोगों ने SDM बड़ौत को एफिडेविट देकर अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की मांग की थी। धर्म परिवर्तन और नामकरण के बाद आरती भी की गई। इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन कुछ हिंदू संगठनों ने किया था। इंसाफ की आस में एक मुस्लिम परिवार के तकरीबन 13 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब वो हिंदू न केवल नाम से जाने जाएंगे बल्कि उनका धर्म भी हिंदू होगा। और इसके पीछे उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पाना। इंसाफ एक घर के चिराग की मौत का, जिसे पुलिस और प्रशासन कह रहा था ये सुसाइड है, लेकिन दरअसल परिवार कह रहा है कि वो हत्या है। योगेंद्र तोमर, जो कि युवा हिंदू वाहिनी बागपत के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की देखरेख में ही यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से हवन संपन्न हुआ और उसके बाद तकरीबन 13 जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया। आपको नहीं लगता कि 6-7 महीने पहले जो डेथ हुई थी उसमें इंसाफ के लिए अगर कोई धर्म को बदलता है तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता? नहीं, ऐसा है जी, इसमें अटपटे की कोई ऐसी बात नहीं है। जब उनके समाज के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया तो आदमी हताहत और निराश हो जाता है। उसके कारण ही उन्होंने जो है आज धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन तो उनका कल ही हो चुका था, क्योंकि उन्होंने SDM साहब को अपना एक ज्ञापन दिया था, एक अपने एफिडेविट दिया था कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज तो उनका नामकरण हुआ है। हमने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मंदिर में, उनसे जलाभिषेक ब्रेक कराया गया है और उनका नामकरण, जो हिंदू नाम रखे गए हैं, उनको उससे संबोधित किया गया है जी। तो सारे रीति रिवाज से संपन्न हुआ जी। अब आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है वो धर्म परिवर्तन के बाद इंसाफ दे पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो उनकी आस्था से है। देखो भाई, प्रशासन तो सबके लिए सेम है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, प्रशासन तो सबके लिए सेम है। बस ये है कि उनकी आस्था जगी इसमें हिंदू धर्म में आने की, तो वो आ गई। इंसाफ तो उन्हें तब भी मिलता और आज भी मिलेगा। अब हम उनके साथ खड़े हैं, जब उनके जो मोमडन भाई थे, जो उनके साथ थे, जिस धर्म में वे थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। पूरा गांव इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम का गवाह बना, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को इस कार्यक्रम की जरा भी भनक नहीं थी? आखिर अख्तर अली ने जिस मजबूरी में धर्म सिंह बनने का फैसला किया, उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? इसी साल जुलाई के महीने में जब गुल हसन की मौत हुई, तब उसके भाई दिलशाद और नौशाद ने इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब इंसाफ नहीं मिला तो नौशाद नरेंद्र बन गए, दिलशाद दिलेर सिंह। और इतना ही नहीं, परिवार के तकरीबन 13 लोगों ने अपना धर्म
बदल दिया। लेकिन सवाल यही है, कत्ल के वक्त भी कानून और प्रशासन वही था, आज भी कानून और प्रशासन वही है, क्या कुछ बदल पाएगा? कैमरामैन जैनेन्द्र दुष्यंत त्यागी के साथ रामकिंकर सिंह बागपत आज तक। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।